पाठशाला में आप संजय राउत का चैप्टर, जिसमें आपको बताएंगे कि संजय राउत का कितने दिन जेल में रहना तय है। आजकल नेताओं पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और उन्हें जेल भेजा जाता है तो वो नेता ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो किसी सत्याग्रह पर जा रहे हैं, मतलब जेल नहीं जा रहे हैं, सत्याग्रह पर जा रहे हैं, जैसे वो आजादी की लड़ाई के लिए जेल जा रहे हैं, जैसे कि वो कोई क्रांति करने के लिए जेल जा रहे हैं। नेताओं के इस नए फैशन में शिवसेना के नेता संजय राउत का भी नाम जुड़ गया है। कल जब संजय राउत को ईडी ने हिरासत में लिया तो घर से निकलते ही दिख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बाइसेप्स दिखाने की कोशिश कर रहा है, रोड शो टाइप चल रहा है, जैसे लग रहा है कि पता नहीं अभी अभी अंग्रेजों को हरा कर बाहर निकले, और पूरा गर्मजोशी से, चेहरे पर बहुत खुशी आ नहीं पा रही है लेकिन अंदर से तो लग ही रहा होगा कि जब जाना है अंदर, लेकिन पूरा एकदम मुट्ठी बीच के और बाइसेप्स दिखा रहे हैं। इसके बाद वो गले से अपना भगवा गमछा निकालकर चारों तरफ घुमा रहे हैं। घर के बाहर अपने समर्थकों का जोश भरने के बाद राउत ओपन सनरूफ वाली गाड़ी में सवार हुए और दोनों हाथों से भगवा पटका लहराने लगे। राउत अपने समर्थकों को कभी थम्सअप करके दिखा रहे थे, कभी मुट्ठी भींच के दिखा रहे थे। इसके बाद ये देखिए गोल गोल घुमा रहे हैं। ये आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी के पास पूछताछ के लिए जा रहा है, आपको देख के लग रहा है कोई बहुत खुशी की बात तो नहीं है कि ईडी ने बुलाया भ्रष्टाचार, ठीक है आप मानते हो अंदर ही अंदर कि आपने कुछ नहीं किया, तो चुपचाप जाओ, जवाब दे के आ जाओ। ये क्या हवा में पटका लहरा रहे हो, स्टंट क्या कर रहे हो? संजय राउत ईडी के दफ्तर से निकले तो उन्होंने फिर से दोनों हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन भी किया। ये तस्वीर देखिए, संजय राउत जिस स्टाइल में है, जो रौला उनका चल रहा है, वो स्टाइल आजकल फैशन में। आपको नवाब मलिक का मामला याद होगा, उनकी तस्वीर भी दिखाता हूं। ये भाई साहब नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 5 महीने से जेल में, उन्हें ईडी ने अरेस्ट किया था और जब उन्हें अरेस्ट किया गया था तो वो भी इसी टाइप से हाथ हिला रहे थे। वो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी ना कि ये भी ऐसा लग रहा है आजादी की जंग जीत कर आए भाई, ऊपर आसमान फाड़ दिए थे। अब आसमान देखे हुए इनको दिन हो गया होगा, जेल में बंद है 5 महीना से, जबकि उनके ऊपर देश के दुश्मन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप था, लेकिन इनका भी अलग रौला था, जलवा था। वही रौला और जलवा जो है वो संजय राउत का दिख रहा है। अब जरा दोनों नेताओं का स्टाइल एक बार यहां पर डालिए, दिखाता हूं एक साथ। ये आपको दोनों नेताओं का जरा स्टाइल एक साथ दिखाता हूं। दोनों नेताओं के स्टाइल को एक साथ देखिएगा। ये भाई साहब, वो भाई साहब, तो ये भाई साहब जो हैं, ये भाई साहब जो हैं, इनको थोड़ा नीचे कर, ये भाई साहब जो हैं, जो नवाब मलिक, इन्होंने जब मुट्ठी भींची थी तब ये 160 दिन से जेल में और अभी भी जेल में ही है। ये भाई साहब 160 दिन से जेल में है, ऐसे ऐसे करने वाले। अब ये भाई साहब ने भी वही किया है, अब इनके कितने दिन हैं अब आप समझ लीजिए। एक भाई साहब ऐसे से करके 160 दिन से, और ये तो और ज्यादा वाले में थे, तो इनकी भी दिन जो है वो गिनने शुरू हो गए। दरअसल एक तरफ तो ये नेता खुद को क्रांतिकारी की तरह पेश करता है, दूसरी तरफ इन नेताओं के बॉस भी इन्हें डिफेंड करते हैं। उद्धव ठाकरे ने आज संजय राउत के घर जाकर उनकी मां से मुलाकात की और फिर संजय राउत के लिए ये फिल्मी डायलॉग मारा कि पुष्पा झुकेगा नहीं। सुनिए एक बार, आज तुमच्याकडे आहे म्हणून तुम्ही जर का इतरांना संपवण्याच्या मागे लागणार असाल तर दिवस हे सर्वदा सारखे नसतात, दिवस हे फिरतात आणि मग दिवस एकदा फिरले की तुमचं काय होईल ह्याचा विचार सुद्धा नड्डा साहेबांनी आणि भाजपाने करण्याची आवश्यकता आहे। मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन झुका नहीं, जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिव सैनिक नहीं हो सकता। वो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं ये पुष्पा है झुकेगा नहीं और वो करके दिखा भी रहे हैं। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने नवाब मलिक को जेल जाने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के पद से नहीं हटाया था, और ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो अब अपने करीबी संजय राउत का भी बचाव कर रहे हैं। लेकिन बाहर भले ही कितनी स्टंटबाजी हो, कितनी भी डायलॉगबाजी हो,
मामला तो जाएगा कोर्ट में, वो कोर्ट में ये डायलॉगबाजी तो नहीं चलती ना। कानून के हाथ लंबे होते हैं और ये हाथ संजय राउत तक पहुंच गए। पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को 4 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया है। कल दिन भर पूछताछ के बाद देर रात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां ईडी ने कोर्ट से संजय राउत की 8 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने संजय राउत को 4 दिनों की रिमांड दे दी। कोर्ट ने ईडी को संजय राउत की रिमांड देते हुए यह भी कहा कि वो हार्ट के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, इसलिए उनसे रात 10 बजे के बाद पूछताछ ना हो, साथ उनकी दवाइयों का भी ध्यान रखा जाए। संजय राउत की रिमांड मिलने से पहले कोर्ट में ईडी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। ईडी ने कोर्ट में कहा कि संजय राउत ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, पूछताछ के लिए 3 बार नोटिस भेजा गया, वो पेश नहीं हुए, राउत ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की, यह भी ईडी ने आरोप लगाया। संजय राउत के परिवार को 1,06,00,000 का फायदा पहुंचाया गया। पत्रा चौल मामले में राउत और उनके परिवार को सीधा फायदा मिला। राउत परिवार ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और बेहिसाब बेनामी संपत्ति बनाई है, यह भी ईडी ने आरोप लगाया है। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि संजय राउत के पास कई अवैध दस्तावेज मिले हैं, उनके पास मिले कैश का भी हिसाब नहीं। इन दलीलों के बाद ईडी ने कोर्ट से 8 दिन की कस्टडी मांगी थी। राउत के वकील ने कस्टडी को कम करने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने संजय राउत को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया। एक तो अरेस्ट होने के पहले और बाद में हाथ लहराने वाली स्टंटबाजी आपने देखी। संजय राउत ने भगवा गमछे का भी खूब इस्तेमाल किया। आमतौर पर संजय राउत के गले में भगवा पटका दिखता नहीं है, वो आते हैं और ऐसा कोट पहने रहते हैं जैसे मैंने बंडी पहनी, ऐसी बंडी पहने रहते हैं, लेकिन आप देखिए उनकी पुरानी तस्वीरें देख लीजिए, कहीं आपको भगवा नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। कल जब जेल जाने की नौबत आ रही थी तब भगवा लहरा रहे। जब भी संजय राउत ईडी के सामने पेश होते हैं तो वो गले में भगवा पटका पहन लेते हैं। कल भी संजय राउत के गले में भगवा पटका था। इससे पहले जब वो 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश हुए थे तो भी उनके गले में भगवा पटका था, जबकि बाकी मौके पर चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उद्धव ठाकरे से मिलने जाएं, फिर कोई कार्यक्रम हो, उनके गले में भगवा पटका कम ही दिखता था। ईडी के पास जब जाते हैं तो मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि मैं शिवसैनिक हूं और देखो मुझे ईडी जो है वो फंसा रही है, मतलब वो तब शिवसैनिक हो जाते हैं, मतलब वो शिवसैनिक वाले रूप में आ जाते हैं। संजय राउत जिस पत्रा चौल घोटाले में ईडी की रिमांड में है, एक बार वो पूरा मामला आपको समझा देता हूं। घोटाले की कहानी 2007 में शुरू हुई थी और ये वो वक्त था जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार थी। ये मुंबई के गोरेगांव में, कुछ लोग पत्रा चौल बोलते हैं, उसको पत्रा चौल भी कहते हैं, ऊपर जो पत्रा लगा रहता है ना टीन का, उसको कहते हैं पत्रा। तो पत्रा चौल का मामला है जो 47 एकड़ जमीन पर था। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने तय किया कि चौल को रीडेवलप किया जाए और चौल में जो 672 किराएदार थे, तय हुआ कि रीडेवलपमेंट के बाद सबको फ्लैट मिलेगा। चौल के रीडेवलपमेंट के लिए गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को ठेका दे दिया गया। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL की सहायक कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को 3,000 फ्लैट बनाकर महाडा को देने थे, लेकिन घोटाला तब हुआ जब गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को मिले कॉन्ट्रैक्ट में जो तय हुआ था उसे पूरा नहीं किया। ना तो चौल के किराएदारों के लिए फ्लैट बनाए गए, ना महाडा को फ्लैट बनाकर दिए गए। अधिकारियों से मिलीभगत करके अतिरिक्त FSI 901,79,79,00,000 रुपए में बेच दी गई। चौल की जमीन का बिल्डर से सौदा बिना फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन किए ही कर दिया गया। मतलब महाडा ने कहा था कि इतने हिस्से में आप चौल के लोगों के लिए बना के दे दीजिए, महाडा को हिस्सा दे दीजिए और बाकी हिस्से में आप दूसरी चीज बना लीजिए। वो बाकी हिस्सा भी बेच दिया बिना इधर का कंस्ट्रक्शन किए। इतना ही नहीं, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने मीडोज नाम का अपना प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया। इस नए प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वालों से 138 करोड़ रुपए का बुकिंग अमाउंट भी ले लिया। कुल मिलाकर 1,039 करोड़ रुपए के स्कैम पर महाडा ने 2018 में FIR दर्ज करवाई। इसी FIR के आधार पर ईडी ने भी इस मामले की जांच शुरू की और प्रवीण राउत नाम के बिजनेसमैन और लाइजनर को पकड़ा, जिसका कनेक्शन PMC बैंक घोटाले से भी था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पत्रा चौल की जमीन पर फ्रॉड के लिए प्रवीण राउत की मदद ली गई थी। ईडी ने यह भी बताया कि प्रवीण राउत कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का फ्रंटमैन है,
जांच में यह भी पता चला कि प्रवीण राउत ने राजनीति से जुड़े कुछ व्यक्तियों को पेमेंट किया था। यहीं से संजय राउत का नाम इस पूरे मामले में सामने आया, क्योंकि ईडी की जांच में कहा जाता है कि यह पता चला कि एचडीआईएल कंपनी के अकाउंट से प्रवीण राउत के खाते में 2010 में 100 करोड़ रुपए आए। ये 100 करोड़ रुपए चौल की जमीन पर हुए फ्रॉड का ही हिस्सा बताता है ईडी। इस रकम को प्रवीण राउत ने अपने करीबियों और रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर किए। आरोप है कि इसी रकम से 83 लाख रुपए प्रवीण रावत ने अपनी पत्नी माधुरी के अकाउंट से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। इसी रकम से वर्षा राउत ने मुंबई के दादर में फ्लैट खरीदा, यह भी आरोप है। लेकिन जब ईडी की जांच शुरू हुई और समन गए तो 55 लाख रुपए वर्षा राउत ने माधुरी राउत को लौटा दी। इसी केस में ईडी संजय राउत और उनके करीबियों की प्रॉपर्टी भी जब्त की जा चुकी है। जब्त की गई प्रॉपर्टी में मुंबई के दादर में एक फ्लैट है जो संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के नाम पर है। अलीबाग में 8 प्लॉट हैं जो संजय राउत की पत्नी और एक फैमिली फ्रेंड के नाम पर हैं। पालघर और ठाणे में प्रवीण राउत की 9 करोड़ की प्रॉपर्टी जो संजय राउत के करीबी हैं उनके नाम पर है, कहा जाता है। ईडी ने संजय राउत की पत्नी और उनके करीबियों की कुल 11 करोड़ 15 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क की है। 11 करोड़ 15 लाख। संजय राउत राज्यसभा के सांसद हैं, वो चौथी बार राज्यसभा के सांसद हैं। संजय राउत की संपत्ति कैसे बढ़ती गई है उनके चुनावी हलफनामे से भी पता चलता है। 2010 में जब संजय राउत सांसद बने तो उन्होंने अपनी कुल संपत्ति बताई 1,51,00,000 रुपए और देनदारी कुछ नहीं थी। 2016 में जब संजय राउत सांसद बने तो उनकी कुल संपत्ति थी 14 करोड़ पहुंच गए 22 लाख रुपए और देनदारी जो है वो 4,70,00,000 की हो गई। मतलब राज्यसभा का एक कार्यकाल पूरा करते करते संपत्ति 1,14,22,00,000 और 0 देनदारी से 4,70,00,000 की देनदारी तक आ गई। 2022 में जब संजय राउत सांसद बने तो उनकी कुल संपत्ति 18,71,00,000 की हो गई और देनदारी 3,60,00,000 से अधिक की थी। 1 करोड़ से 18 करोड़, इतना पैसा जो है हम लोग तो सुन ही पाते हैं। खैर, संजय राउत हाथ हिला रहे हैं। हाथ हिलाने से ज्यादा उन्हें अंदर बताने की जरूरत पड़ेगी कि जो आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है।